नमस्कार। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उम्र का तकाजा बहुत जरूरी होता है। हमारे शरीर में एक उम्र है जो कि 40 की मैंने पीछे बात की थी, एक माइलस्टोन के रूप में जानी जाती है। जैसे ही 40 की उम्र महिला हो चाहे पुरुष हो, कुछ न कुछ हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, शरीर में वायु बढ़ना शुरू हो जाता है, कहीं दर्द रहना शुरू हो जाता है। और एक ये उम्र इस तरीके की भी है कि हम लोग थोड़ा सा कमाई जो है, यानी आर्थिक रूप से हम थोड़े उन्नत हो जाते हैं, तो उस वजह से शरीर में आराम पसंद जो है वो स्थिति आ जाती है, उससे शरीर में वायु बनना लाजमी है। तो हम लोग अकर्मण्यता की स्थिति में आते हैं। जो व्यक्ति एकदम एक्टिव है, मेहनत करते हैं, उनके 40 के आसपास इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन फिर भी शरीर का एक उम्र तो होता ही है, सीमा तो होती ही है, तो ऑर्गन्स जो है वो कुछ शिथिल तो होते हैं। तो इस समय के लिए हमें छोटा सा कोई योगा पैकेज हो जिसमें हमें समय तो कम लगे और कुछ लाभ जो है वो होने शुरू हो जाए। मैं उन लोगों के लिए जो कि 40 प्लस है, समय कम है या समय है भी, तो इस योगा पैकेज को अपने फुल योगा पैकेज में मिला लीजिएगा। तो मैं आपको एक छोटा सा योगा पैकेज बना के दे रहा हूँ जो कि 4-5 क्रियाओं का है। इनको नियमित रूप से करेंगे तो आपको एक एनर्जी का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ लगेगा और आपके शरीर में एक तनाव खिंचाव जो है वो कम होगा, और जो सुबह सुबह उठते ही दर्द होता है शरीर में वायु की वजह से, उसमें भी आपको कमी महसूस होगी और एक एनर्जी बढ़ी हुई लगेगी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेट कर मॉर्निंग वॉक, जो कि मैंने आपको बताई हुई है, ये मॉर्निंग वॉक 5 मिनट आप अपने पैकेज में डालिएगा। सीधे लेटना है, पैरों को सामने, और आप जो पिंडलियां हैं इनको जमीन के ऊपर पूरी ताकत के साथ लगाना है। बस इतना ही, यही मॉर्निंग वॉक है, कुछ नहीं करना। और आप इसको 5 मिनट करके देखिएगा, खुद कहेंगे कि वाकई में क्या आनंद आया है, पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन चल पड़ेगा। ऐसी बहुत कम क्रियाएं होती है जो कि इस तरीके का वाइब्रेशन देती है और हमारे शरीर में पूरे में ब्लड के सर्कुलेशन को चलाती है। ये क्रिया पिंडलियों को तो नरम करती है, साथ में पेट और कमर के हिस्से में ब्लड का सर्कुलेशन फेंकती है। और हमारा शरीर जब जमीन के पैरेलल होता है तो ब्लड का सर्कुलेशन ऐसे चलता है, इसकी वजह से पूरे शरीर में ब्लड जो है वो पहुंचेगा, वायु के जो बुलबुले गोले शरीर में बने हुए हैं वो इधर उधर हो जाएंगे, आंतों को एक वाइब्रेशन मिलेगी। तो 5 मिनट की क्रिया, इससे शुरुआत, ये वार्म अप भी कर देगा, आपका बॉडी वार्म अप भी हो जाएगा, इसलिए आपको कोई बहुत दौड़ना भागने की आवश्यकता नहीं है। 5 मिनट इस क्रिया को आप लगातार करें, मेरे वीडियो को पॉज करके 5 मिनट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाइएगा। तो पिंडलियां जमीन के ऊपर इस तरीके से भिड़ाना है। देखिए एड़ियां नहीं उठ रही है, कई लोग कहते हैं एड़ियों को आगे पीछे करना पड़ता है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। एड़ियां देखिए एकदम फिक्स है और जो पिंडलियां है केवल वो उठ रही है और जमीन पे लग रही है। जब आप एड़ियों को फिक्स रखते हैं तो आपकी 4 इंच तक पिंडलियां जो है उठ सकती है, 4 इंच से ज्यादा उठाएंगे तो एड़ी घिसेगी। तो एड़ी को नहीं घिसना है, उसको फिक्स रखना है और पिंडलियों को अपनी ताकत के साथ जमीन पे लगाना है। पहले दिन 2-3 मिनट ही करें, फिर 3-4 दिन में 5 मिनट। अगर आपने पहले दिन 5 मिनट कर लिया तो यहाँ हल्का सा ऐसे आपको हल्का हल्का ऐसे ब्लड का सर्कुलेशन महसूस होगा, तो वो 2-3 दिन होगा फिर ठीक हो जाएगा। इसके जस्ट बाद आपको उल्टा लेटकर मॉर्निंग वॉक करनी है, ये भी आप 5 मिनट कर सकते हैं। पहले दिन 2-3 मिनट करिए, इसका भी खिंचाव पेट की आंतों के ऊपर, पिंडलियों के ऊपर, हिप्स के ऊपर और हमारे कमर के इस लंबर एरिया के ऊपर, यानी कमर दर्द, ये स्टिफनेस जो है कमर वाली, ये ज्यादातर 40 के बाद में होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सिटिंग के जो जिनको बहुत ज्यादा सिटिंग रहती है या बहुत ज्यादा स्टैंडिंग रहता है, दोनों ही प्रॉब्लम में, दोनों ही व्यवस्थाओं में हमारी ये प्रॉब्लम बढ़ती है। हाथों को आगे करेंगे और एड़ी को हिप्स के ऊपर लगाएंगे। ये क्रिया बहुत इफेक्टिव है, पेट की आंतों को खींच देती है। जिनको वायु का गोला बनता है वो गोला भी धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि आते जो है उनमें ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचेगा। साथ में ये जो तनाव, ये जो खींचा है ना आपने ऊपर की ओर ऐसे, तो ये खिंचाव जो है ये भी हमारे यहाँ पर गोले को भी इफेक्ट करेगा और हमारे लंग्स को भी जगह देगा। तो ये हमारी 2 नंबर क्रिया हो चुकी है। इसको भी आप 2-3 मिनट से 5 मिनट तक रोज जो है अपने पैकेज में डालिए। तो 5-5-10 मिनट का हमारा ये क्रिया हो गई। अब तीसरी जो क्रिया है वो यहीं से व्याघ्र क्रिया में आई है। ये क्रिया भी बहुत शानदार, आपने देखा होगा जो शेर चीता बिल्ली है उन वर्ग के प्राणियों के नाम से मार्जरी मुद्रा भी कहते हैं इसको, और व्याघ्र क्रिया भी।
तो इसमें करना क्या है, जैसे बिल्ली अंगड़ाई लेती है वैसी अंगड़ाई लेना है। आपने देखा बिल्ली चीता की कमर बहुत पतली होती है, चेस्ट बड़ा होता है, तो इसी तरीके से हमें भी करना है, कमर पतली करनी है। कैसे? श्वास भरेंगे गर्दन को ऊपर और कमर को बीच में से डाउन, श्वास छोड़ेंगे कमर को बीच में से ऊपर और ठुड्डी को सीने के ऊपर लगाएंगे, फिर श्वास भरेंगे कमर को रीढ़ को बीच में से डाउन करना है और गर्दन ऊपर करना है जितना अधिकतम ले जा पाए और स्टे करना 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड जितना आपकी ताकत है। श्वास रुका हुआ रहेगा, स्टे रहेगा, ना लेना है ना छोड़ना है, श्वास भरते हुए जा रहे हैं और स्टे करना है। श्वास छोड़ते हुए ये बाह्य कुंभक हो गया, श्वास छोड़ा है और बीच में से कमर को ऊपर उठाया है, श्वास भरा है कमर नीचे, इससे पूरी 32 वर्टिबा हमारी जो रीढ़ की हड्डी की है वो सारी की सारी खींचेगी, खुलेंगी, पूरा का पूरा खींचेगा इससे, कमर का हिस्सा, पेट की आंतें जो है वो पूरी की पूरी खींचेगी। श्वास छोड़ते हुए रीढ़ को बीच में से उठाना, इससे आंतों में भी खिंचाव आएगा, जितना बाह्य कुंभक श्वास छोड़ के बाह्य स्थिति में हम जितनी ज्यादा रुकेंगे उतना नाभि ऊपर खिंचती हुई जाएगी। ये भी 5 बार आप करिए, फिर उसके बाद में अपने अभ्यास में 15-20 बार तक ला सकते हैं। ये हमारा हुआ तीसरा योगिक क्रिया। अब चौथा, चौथे में आपको देखिए ये वज्रासन में बैठते हुए दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए और श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए डाउन। ये क्रिया शशकासन या शशांकासन कही जाती है। इस क्रिया में आपको बहुत सुकून मिलेगा। सुकून कैसे मिलेगा? देखिए हमने आंतों से नीचे की क्रियाएं तो पहले कर ली 2-3 में, अब इससे ऊपर जा रहे हैं हम। ऊपर कहाँ जा रहे हैं? चेस्ट की ओर। तो चेस्ट की ओर जैसे ही हाथ आप आगे खींचेंगे तो एक तो आंतों में, तो पेट की आंतों में तो खिंचाव आएगा, साथ में लंग्स को जगह मिलेगी। ये जब हाथ ऊपर जाते हैं तो यहाँ का हिस्सा जो है ये खिंचता है और ये लंग्स को जगह मिलेगी, ऑक्सीजन बढ़ेगा और मस्तक में यानी सिर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन पूरा आएगा, क्योंकि सिर नीचे की ओर है। नाभि को नीचे की ओर खींचने का अभ्यास करें। पैरों को पूरा चिपका लीजिए, एकदम चिपकाना है, जमीन की ओर जितना जा सके जाना है इस तरीके से। इसमें आप 1-1 मिनट तक भी रुक सकते हैं यहां पर। तो इस तरीके से श्वास भरते हुए आप, ये आपकी एक बार क्रिया हुई। ऐसा ही आप 3-4 बार इस क्रिया को कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। इसमें 1-2 मिनट रुकने का अभ्यास करें। बहुत अच्छा सुकून मिलेगा, अनिद्रा में भी, पाचन में भी, आपके शरीर की आंतों के लिए, पेंक्रियाज के लिए बहुत अच्छा खिंचाव आता है। यहाँ पर बहुत अच्छी आपको फीलिंग आएगी, कमर का और का पूरा जो हिस्सा है ये इसमें ब्लड सर्कुलेशन पहुंचेगा। अब जो ये चौथी क्रिया हो गई शशकासन, अब इसी को कॉम्बिनेशन करते हुए हम करेंगे शशांक भुजंगासन। इससे कमर, रीढ़ की हड्डी और पेट की आंतें सारा का सारा एक साथ जो है हमारे शरीर का पूरा स्टिमुलेशन होगा। बहुत ज्यादा, बहुत ही जो अगर बीमार है, बहुत ज्यादा जब मतलब बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता हो या कोई ऑपरेशन हुआ हो, कट फट गया हो या ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनमें तो देखिए इसको जो है करना ठीक नहीं है, लेकिन सामान्य अवस्थाओं में आप कर सकते हैं श्वास भरते हुए। इसीलिए मैंने 40+ बोला है कि ये बहुत धीमी गति से करने वाली क्रियाएं हैं। दोनों घुटनों को थोड़ा सा पास में ले लीजिए, ध्यान रखें घुटनों के नीचे कोई गद्दी होनी चाहिए वरना आपके घुटने में दर्द महसूस होगा। श्वास भरते हुए भुजंगासन। अब भुजंगासन की स्थिति में जब आप आए, देखिए घुटना जो है वो अपनी जगह पे रहेगा, हाथ ऐसी स्थिति पे रखिए कि आपका जब शरीर आगे पीछे हो तो आपका हाथ हिलाना ना पड़े। इस तरीके से यहां कमर के एकदम लंबर एरिया के ऊपर खिंचाव ना करें, खिंचाव जो है वो ऊपरी पार्ट पर, अपर पार्ट पर करना है। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। आप देखेंगे कि ना तो हाथ की हथेलियां हिल रही है मेरी, ना घुटने हिल रहे हैं, जो मार्जरी मुद्रा है बीच में वो आती है और इसमें भुजंगासन आता है और डाउन में शशकासन आता है। देखिए एक ही क्रिया में 3-3 आसनों का जो लाभ है वो आपको दिख रहा है।
श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए, ऐसे कॉम्बिनेशन जो है ये आपके शरीर को स्वस्थ बनाने में शॉर्ट टाइम में आपको लाभ देने वाले बन सकते हैं। आप नियमित अभ्यास, सही श्वास और सही गति पकड़ ले तो शरीर स्वस्थ रहना बहुत लाजमी हो जाता है। शरीर जरूर स्वस्थ होगा श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए। अब ये क्रिया शुरू शुरू में तो आपको 5 बार करनी है, फिर उसके बाद में आपको लगता है कि मेरा शरीर और ताकत मांगता है और कर सकते हैं, तो फिर आप इसको 50 बार तक ले जा सकते हैं। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 50 बार तक इसको ले जा सकते हैं। ये क्रिया आप कितनी देर का, 5 फर्स्ट लेट के मॉर्निंग वॉक, सेकंड उल्टा लेट के मॉर्निंग वॉक, थर्ड मार्जरी मुद्रा या व्याघ्र क्रिया, फोर्थ शशकासन और फिफ्थ भुजंगासन। 5 ही तो क्रिया की है, लेकिन 5 क्रिया करने के बाद आपको शरीर में हल्का ना लगे तो मुझे कहिएगा, आप नियमित रूप से करिएगा, आपको लगेगा कि वाकई में हमने कुछ किया है। उसके बाद में अगर आपके पास प्राणायाम का समय हो तो आप जरूर भस्त्रिका 2 मिनट, कपालभाति 5 मिनट या 10 मिनट, अनुलोम विलोम 10-15 मिनट और भ्रामरी और ओम का नाद, ये नियमित रूप से अपने पैकेज में डालें तो मुझे लगता है कि आप शरीर को स्वस्थ बना लेंगे और नियमित रूप से अपने शरीर को मजबूत बना लेंगे। तो 40+ के लोगों के लिए एक छोटा सा शॉर्ट योगी कॉम्बो है ये, नियमित रूप से करिएगा। आप दीजिए इजाजत मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए, त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।